भोपाल से खबर आ रही है जहां हमारा घर हमारा विद्यालय को लेकर एक अजीब गरीब फरमान जारी हुआ है। सीएम शिवराज घंटी और थाली बजवाएंगे, स्कूली बच्चों के साथ अभिभावक भी घंटियां और थालियां बजाएंगे। पीएम के बाद अब ये जो तरीका है वो सीएम शिवराज मध्य प्रदेश में आजमाने वाले हैं, लेकिन वो तरीका फ्रंटलाइन वॉरियर्स के सम्मान में था, लेकिन फिलहाल ये तरीका हमारा घर हमारा विद्यालय योजना के तहत आजमाया जाएगा या फिर उसे अपनाया जाएगा। सभी जिला कलेक्टरों को फरमान जारी कर दिया है, राज्य और केंद्र सरकार ने फरमान जारी किया है। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के तहत योजना के तहत एक अलग ही तरीका अपनाया गया है। अब इस की वजह क्या है, इसके पीछे क्या मंशा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। विवेक हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है, मेरे सहयोगी बताएंगे। विवेक, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना जिसके तहत अब थाली ताली बजवाई जाएगी, इसके पीछे का मकसद आखिर क्या विचार रखकर ये थाली और ताली बजवाने का विचार आया है या फिर इसे आजमाया जा रहा है इस तरीके को, क्योंकि पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स का सम्मान करने के लिए हमने थालियां और तालियां बजते हुए देखे थे, दीप जलते हुए देखे थे, लेकिन इसके पीछे का मकसद कोई खास वजह? देखिए, हमारा स्कूल, ये जो स्कूल शिक्षा विभाग ने, जैसा कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि 15 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, स्कूल में घरों में किस तरीके से स्कूल का माहौल बनाया जाए, इसके लिए यह स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए। हालांकि ऐसे निर्देश हास्यास्पद होते हैं कि घर पे ताली बजाई जाए बच्चों को सुबह पढ़ाने के लिए और जब उनकी पढ़ाई खत्म हो जाए तो फिर से ताली बजाया जाए, तो ये एक स्कूल का माहौल देने के लिए यह कदम उठाया है। यह कुछ जो स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर हैं वो भी इस बात को लेकर जो है आपत्ति जता रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया था कि फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके लिए दिए जलाए जाए, थाली बजाया जाए, तो ये अब फिर से मध्य प्रदेश में थाली और ताली बजाने के लिए बच्चों को जिम्मेदारी दी जाए, तो एक खास बात अब तरीके से भी अधिकारी इसको दे रहे हैं। हालांकि ये जब आदेश जब ये वायरल हुआ तो अधिकारियों को तलब किया गया और माना जा रहा है कि एक दो दिन के अंदर इस आदेश को फिर से विड्रॉ कर लिया जाएगा, क्योंकि सरकार किसकी किरकिरी हो रही है कि आखिर ये किस तरीके से आदेश जारी किया है। बिना सोचे समझे इस तरीके से आदेश से सरकार की छवि भी खराब होती है और परसेप्शन भी गलत जाता है। बिल्कुल, जो एक परसेप्शन बनता है कि साहब इसके पीछे की वजह क्या, जो मेरा भी पहला सवाल आपसे यही था, लेकिन अब जो ये आदेश जारी हुआ है, अगर ये विड्रॉ होता है तो भी पूछा जाएगा कि अगर आपको सही नहीं लगा था तो ऐसे, क्योंकि जाहिर सी बात है इन चीजों से ना तो कोई बहुत ज्यादा आपको फायदा हो रहा है ना बहुत ज्यादा कोई नुकसान हो रहा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थाली ताली दिया जलवाने का जो फॉर्मेट था वो सम्मान के तौर पर लिया जा रहा था, यहाँ अगर वो घर पर या विद्यालय जैसा बच्चे महसूस कर सकें इसके लिए है, तो जाहिर सी बात है आप देखते हैं आने वाले समय में क्या ऐसे विड्रॉ किया जाता है या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से धरातल पर अमली जमा पहनाना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए।